हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्टी फूड एंड फूडी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार और बहुत ही हेल्थी रेसिपी, पनीर परांठा, जो अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है। और तो आइए इस टेस्टी सी बढ़िया सी रेसिपी को शुरू करते हैं गाइस, और कुछ ऐसे टिप और ट्रिक बताऊंगी कि आपकी कुकिंग हो जाएगी इजी। फ्रेंड्स, मैंने गेहूं का आटा ले लिया है एक कटोरी, और पिंच ऑफ नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे दूध के साथ। दूध के साथ हम इसका डो रेडी करेंगे। जो आप डो होगा थोड़ा सा सॉफ्ट रखें और इसे अच्छे से मिक्स करें। इस तरह से आटा गूंदने के बाद इसे हम रेस्ट के लिए 5 मिनट रख देंगे, और उसके बाद हम इसे फिर से स्मूथ करेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने चीज़ ले लिया है, इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है, हाथों से कर लिया है। अगर आप ग्रेटर से करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हो। और इसमें धनिया पत्ती डाल दी है मैंने, और थोड़ी सी मेथी डालूंगी, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे प्याज टू टेस्ट। अगर आप ज़्यादा लाइक करते हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन ये पनीर के अकॉर्डिंग इतना सही है। और ग्रीन चिली डालेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें रोस्टेड जीरा डालेंगे। जीरा अगर हम वैसे डालेंगे तो उसका उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा, रोस्ट करके तवे पर फिर ही डालेंगे। और थोड़ा सा गरम मसाला, और गाइस हम इसमें थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा तीखा खाते हो तो उस अकॉर्डिंग डालें, और नमक टू टेस्ट डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर फ्रेंड्स इसमें कोई भी आप फ्लेवर डालना चाहते हो, कोई भी चाट मसाला या कुछ भी ऐसा डाल सकते हो। और थोड़ा सा घी लेकर हम फिर से 5 मिनट, जो रेस्ट के लिए हमने आटे को रखा था, उसे अच्छे से मसल कर सॉफ्ट करेंगे, और इस तरह से उसके 3 पेड़े हम रेडी कर लेंगे। क्योंकि थोड़ा सा जो हम इसके बॉल्स बनाएंगे ना, थोड़े से बड़े बनाएंगे, ताकि हम इसमें काफ़ी अच्छी सी फिलिंग डाल सकें। और गाइस, सबसे बेटर ट्रिक कि आप अपने चकले को रोलिंग बॉल, अपने चकले को आप इस तरह से कवर करें, और इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना, एक तो आपका परांठा बहुत इजी बनेगा, दूसरा आपका परांठा टूटेगा नहीं। तो ये अगर स्टेप आप फॉलो करेंगे, कोई वेजिटेबल थैली लेकर इस तरह से धोकर आप साफ कर इस तरह से कवर कर लें। और देखिएगा, इस मैंने मोटा मोटा इसे बेला है, पतला नहीं बेलना, नहीं तो हमारी फिलिंग नहीं आएगी। और स्पून से हम इसे एक कटोरी की शेप में सेट कर लेंगे, और हम इसमें फिलिंग जितनी डाल सकते हैं हम उतनी फिलिंग इसमें डालेंगे। 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें, थोड़ा सा और अगर डलता है तो आप डाल सकते हो, क्योंकि हमने इसमें फिलिंग भर भर कर डालनी है। और थोड़ी सी फिलिंग और डाल लेंगे, इस तरह से हम दबा देंगे स्पून से, और इसे अंदर की ओर प्रेस कर बाहर से हम इसे जोड़ेंगे इसके किनारों को अच्छे से। इस तरह से इसके किनारे जो होंगे, इस तरह से आप अच्छे से इसे कवर कर दें, ताकि आपकी जो इसमें फिलिंग है वो बाहर ना निकले। और फ्रेंड्स, इसे इस तरह से घुमाते हुए जो एक्स्ट्रा आटा है ना, वो आप निकाल दें। अगर आप इसी तरह से इकट्ठा कर दोगे ना, तो उसकी गांठ रह जाती है, जो हमें खाने अच्छी नहीं लगती। तो इसे जोर निकालें, और इस तरह से हाथों से दबा दबा कर फिलिंग और आटा अच्छे से मिक्स कर दें, मतलब एक बिल्कुल अच्छे से सेट कर दें। तो इस तरह से दबा दबा कर करना है, ताकि जो इसके अंदर की हवा भी निकल जाए। और जब आप इसे बेलेंगे, आपको बहुत इजी लगेगा बनाना। जो मैंने टिप बताई थी वो भी बहुत बढ़िया बताई थी, आप वो भी वीडियो देखें, उसमें बहुत ही टेस्टी आलू के परांठे की रेसिपी है। इस तरह से हम इसे बेलेंगे अच्छे से, देखिए कोई किनारा नहीं इसका बिखरा, और ज़्यादा मुझे ड्राई आटा, जो सूखा आटा है, कम लगाना पड़ा, हल्का सा लगाना पड़ा, और हमारा परांठा अच्छे से बन गया है, इसके किनारे नहीं बिखरे बिल्कुल भी। फीलिंग आपके सामने है कितनी डाली थी हमने।
अगर आप भी गाइस ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे ना, आपका परांठा भी इतना ही बढ़िया बनेगा, ये मेरी गारंटी है। ये देखिए किनारे देखिए अच्छे से सेट हो गए, और तवा हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था स्लो आंच पर, और स्लो पर आप फर्स्ट 2 मिनट इसे स्लो आंच पर ही पकाएं, उसके बाद आप आंच तेज कर सकते हो, इससे आपका पराठा काफ़ी बढ़िया बनेगा। ये देखिए मैंने हल्के हल्का से इसके दोनों साइड्स सेक ली हैं अच्छे से। अब हम इसमें लगाएंगे बटर इसे क्रिस्पी करने के लिए। अगर आप बटर नहीं लगाना चाहते, कोई भी वेजिटेबल ऑयल जो भी आपको पसंद है, मेरे पास बटर था तो मैंने बटर लगा लिया। तो इस तरह से आप इसे क्रिस्पी होने के लिए एक साइड को अच्छे से पकाएं, फिर दूसरी साइड को पकाएंगे। और गाइस इसके किनारों को आप इस तरह से दबा दबा कर पकाएं। बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। ये देखिए इस तरह से हम इसकी दूसरी जो साइड है वो भी पकाएंगे। आप इस तरह से कोई भी किचन क्लॉथ होता है ना, उससे भी दबा दबा कर आप इसे पका सकते हैं, ताकि ये अंदर से बिल्कुल भी ना कच्चा रहे और बहुत ही बढ़िया बनकर आपका पराठा रेडी हो जाएगा। ये देखिए गाइस कितना परफेक्ट है, और इसकी फीलिंग अंदर से खाने में जो मज़ा आएगा बटर के साथ, दही के साथ, तो बहुत टेस्टी लगेगा। और इसी तरह से हमने दूसरा परांठा भी रेडी कर लिया है। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए इजी